अब तो उसके बारे में तुम जो चाहो वो कह डालो। वो अंगड़ाई मेरे कमरे तक तो बड़ी रूहानी थी। नमस्कार, मैं आपका दोस्त शशिकांत सिंह आने आपको कविताएं सुनाता हूं। अपने सब यार काम कर रहे हैं, अपने सब यार और हमें के नाम कर रहे हैं। तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें। मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ नहीं, मेरे कमरे में। सुनने सुनाने के इस पोएट्री एपिसोड में आज हम बात करने वाले हैं जनाब जॉन एलिया जी के बारे में। जी हाँ, जॉन एलिया यानी ऐसा नाम कौतूहल जिसके नाम के साथ ही शुरू हो जाती है। अमरोहा में जन्मे, विभाजन के बाद भी वो 10 साल तक भारत में रहे और फिर कराची चले गए। उसके बाद वो दुबई भी गए। संवाद शैली में आसान शब्दों में लगभग हर विषय पर नज्म और गजल कह जाने वाले, मन के उलझे हुए तारों के गुंजलत को बड़ी ही सादगी के साथ सुलझाने वाले जॉन मौत के बाद और भी मशहूर हो गए। वैसे तो उन्होंने बहुत सारी गजलें लिखी, लेकिन उनकी एक गजल आज मैं शशिकांत सिंह आने आपको सुनाने जा रहा हूँ। अभी एक शोर सा उठा है कहीं, अभी एक शोर सा उठा है कहीं, कोई खामोश हो गया है कहीं। अभी एक शोर सा उठा है कहीं, कोई खामोश हो गया है कहीं, है कुछ ऐसा कि जैसे ये सब कुछ, है कुछ ऐसा कि जैसे सब कुछ इससे पहले भी हो चुका है कहीं। अभी खामोश हो गया है कहीं। तुझको क्या हो गया है कि चीजों को, तुझको क्या हो गया है कि चीजों को कहीं रखता है, ढूंढता है कहीं। कोई खामोश हो गया है कहीं। जो यहां से कहीं न जाता था, जो यहां से कहीं न जाता था, वो यहां से चला गया है कहीं। कोई खामोश हो गया है कहीं। आज शमशान की सी बू है यहां, आज शमशान की सी बू है यहां, क्या कोई जिस्म जल रहा है कहीं। कोई खामोश हो गया है कहीं। हम किसी के नहीं जहां के सिवा, हम किसी के नहीं जहां के सिवा, ऐसी वो खास बात क्या है कहीं। कोई खामोश हो गया है कहीं। तू मुझे ढूंढ मैं तुझे ढूंढूं, तू मुझे ढूंढ मैं तुम्हें ढूंढूं, कोई हम में से रह गया है कहीं। कोई खामोश हो गया है कहीं। ओई खामोश। कितनी वहशत है दरमियाने हुजूम, कितनी वहशत है दरमियाने हुजूम, जिसको देखो गया हुआ है कहीं। कोई खामोश हो गया है कहीं। मैं तो अब शहर में कहीं भी नहीं, मैं तो अब शहर में कहीं भी नहीं, क्या मेरा नाम भी लिखा है कहीं। कोई खामोश हो गया है कहीं। इसी कमरे से कोई होके विदा, इसी कमरे से कोई होके विदा, इसी कमरे में छुप गया है कहीं। कोई खामोश हो गया है कहीं। मिलके हर शख्स से हुआ महसूस, मिलके हर शख्स से हुआ महसूस,
मुझसे ये शख्स मिल चुका है कहीं, कोई खामोश हो गया है कहीं, अभी एक शोर सा उठा है कहीं, कोई खामोश हो गया है कहीं। धन्यवाद दोस्तों। तो ये थे आज के हमारे महबूब शायर जनाब जॉन एलिया साहब। हम आज आपसे विदा लेते हैं और ये इल्तिजा करते हैं कि अब तक आपने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे कर लें और नीचे जो बेल आइकन है आप उसे भी प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हम एक नए एपिसोड में एक नए कवि एक नए शायर के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।